एक और खबर का रुख करते हैं। गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और उनकी बहू के खुदकुशी के मामले में मथुरा के कोसी कला थाने में केस दर्ज करवा लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संकल्प के पिता गीतकार संतोष आनंद की शिकायत पर 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये वही 38 लोग हैं जिनके नाम संकल्प आनंद ने अपने सुइसाइड नोट में लिखे थे। इन सभी के खिलाफ धारा 306 यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। संकल्प के पिता संतोष आनंद के बयान दर्ज करने के बाद कल यूपी पुलिस की टीम दिल्ली आई थी, जिसके बाद रात के करीब 1:30 से 2 बजे उनके बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। संकल्प आनंद और उनकी पत्नी ने बुधवार को मथुरा के पास खुदकुशी कर ली। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, इस मामले में 38 लोगों के नाम खुद सुइसाइड नोट में लिखे थे मरने से पहले, और अब उन्हीं 38 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें कई रसूखदार लोग हैं, गृह मंत्रालय में काम करने वाले कई लोगों के नाम भी हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। मथुरा के कोसी कला थाने के अंदर ये मामला दर्ज किया गया है, और 38 लोगों के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ रसूखदार लोग भी हैं, आईपीएस भी हैं और गृह मंत्रालय से जुड़े लोग भी हैं। दूसरी चीज यहां पर यह कि कल संतोष आनंद ने यह बात कही थी कि उनको धमकी मिल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें खतरा है जान का। इसी के चलते उन्होंने यहां पर एफआईआर लॉन्च कराई है और अब इन 38 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आपको बता दूं कि संकल्प आनंद जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू और साथ ही साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर गबन का मामला दर्ज किया गया था, और इसके बाद काफी ज्यादा वो परेशान हुए थे और पूरी जो आत्महत्या की पूरी घटना हुई है उन्होंने इसके बाद ही की थी। इसके बाद जब यहां पर संतोष आनंद को कुछ ज्यादा परेशानी इस दौरान महसूस हो रही थी, उनको यह लग रहा था कि उनको भी खतरा है, और इसी के चलते उन्होंने कोसी कला थाने में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है। अब पुलिस के ऊपर है पूरा मामला कि पुलिस आखिर क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में करने वाली है। हालांकि काफी बड़ा ये मामला है, 250 करोड़ के लेन देन का मामला है। गृह मंत्रालय के कई लोगों के नाम सुइसाइड नोट में लिखे थे संकल्प आनंद ने खुदकुशी करने से पहले। नरेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे होंगे फौरन।